इंटरनल डिवीजन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, चलो आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है पुलकित, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा क्या? पुलकित आपके प्रीवियस लेक्चर के क्लास छूट गए थे, आपने देखा है? चलो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी एक्स कॉमा टू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए दैट इज 12.5 एंड बी 4.-3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब पहले तो हमें रेशियो फाइंड करनी है कि किस रेशियो में ये ए और बी दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग के रेशियो वन, ये रेशियो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद के की जो भी वैल्यू आती है, लाइक मान लो 2:3 आया, तो हमारा 2/3 अगर के आया तो रेशियो हो जाता है 2:3। ठीक है, तो यहाँ भी आप एज्यूम कर लो लेट पी एक्स कॉमा टू डिवाइड ए एंड बी ए बी इन द रेशियो के इज टू वन। ठीक है, अब ये देखो हमारा रेशियो जब है तो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहां से मिल जाते हैं, जब रेशियो हमें पता होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपकी एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट टू है, तो इन दोनों का हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो एक्स विल बी इक्वल टू एम एक्स टू, तो एम यहाँ हमारा के हो जाएगा, के एक्स टू इज 4 प्लस एन एक्स वन दैट इज 1 × 12 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मीन्स के प्लस वन। एक तो ये वो हो गया, दूसरा सिमिलरली हमें वाई कोऑर्डिनेट भी वैसे मिलेगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो 2 है, तो एम एक्स टू, एम इज योर के, एक्स टू इज सॉरी एम वाई टू, वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको वाई का कोऑर्डिनेट लेना है -3 प्लस एन वाई वन, एन हमारा 1 है एंड वाई 1 इज 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। ओके, अब यहां से देखो आप एलएचएस और आरएचएस दो इक्वेशन है, अगर राइट साइड जो है हमारा ये इस साइड का, तो राइट साइड वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू अगर के की हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन वन में, मान लो ये हमारी इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू सॉल्व करने के बाद जो के की वैल्यू आएगी वो आप इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 2k+2 इक्वल टू -3k+5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व करना है, तो -3k को आप ट्रांसपोज कर दो टू लेफ्ट साइड और 2 को ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, तो 2k+3k इक्वल टू 5-2, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 2k+3k मीन्स 5k हो गया इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5, के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, के इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये आपकी के की वैल्यू हो गई, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो 3:5। ठीक है, अभी यही हम जो के की वैल्यू हमें मिली है वो आप इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था, पहले तो रेशियो फाइंड करनी थी उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस विल बी के 3/5 × 4 प्लस 1 × 12 डिवाइडेड बाय 3/5 + 1। एलसीएम लेके आप कैंसिल कर दो, सो दोनों में आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम एलसीएम आएगा, तो 5 5 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 12 + 12 डिवाइडेड बाय 3 + 5 दैट इज 8। ठीक है, 24/8 मीन्स 3 आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज
रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो रेशियो फाइंड करनी है। देखो अब वाई एक्सिस मतलब कि हमारी कैसे हम इसमें फाइंड करेंगे, कोई बोल सकता है क्या? रेशियो फाइंड करनी है तो एटलीस्ट मुझे एक तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, राइट? विदाउट दैट हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ एक हिंट आपको दे दिया है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब वाई एक्सिस में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस? यस प्रिसाब बताओ। जीरो। जीरो होता है, वेरी गुड। तो एक्स इक्वल टू जीरो लेकर के आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। सो पहले तो आप रेशियो एज्यूम कर लो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो रेशियो बी के इज टू वन। अब देखो के इज टू वन हो गया एंड हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप एक एज्यूम कर लो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। सो जीरो कॉमा सपोज वाई ले लो आप, जीरो कॉमा वाई, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो आपकी के इज टू वन है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम एक्स टू मीन्स के, और यहाँ हमारा एक्स टू माइनस वन हो जाएगा। सो के मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस एन एक्स वन, एन हमारा वन है, एक्स वन इज 5 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मीन्स के प्लस वन, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस विल बी जीरो माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के प्लस 5। सो के विल बी इक्वल टू 5 means required ratio is 5:1. So required ratio is 5:1 and coordinate हमें find करनी है point of intersection. So point of intersection is given by x कोऑर्डिनेट तो नोन है, y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करनी है। सो m इज टू n, m और n अब हमें पता है। सो 5 इंटू वाई टू दैट इज -4, ठीक है, प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। सो यही आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दैट इज 0, -20 एंड -6। So -26/6, that is 0, -13/3, ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए और रिक्वायर्ड रेशियो हमारा 5:1 हो गया, ठीक है। पुलकित कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब यहाँ देखो एक लाइन आपका दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज योर ए बी, बी आपको दी हुई है 6, 7 एंड ए इज 1, 2। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एपी रेशियो ए बी दिया हुआ है, ना कि जैसे मान लो पी आपका एक कोई पॉइंट है यहाँ, ठीक है, पी इज योर पॉइंट और हमें एपी रेशियो पी बी चाहिए, बट यहाँ दिया हुआ है एपी रेशियो ए बी,
ठीक है, अगर एपी रेशियो पीवी डायरेक्ट रहता तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पी की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, एपी इज इक्वल टू 2/5 AB दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB/AP। ठीक है, AB/AP इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब हमें AP/PB चाहिए, तो क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम ईच साइड, सो वी विल गेट AB/AP-1 इक्वल टू 5/2-1। एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, AB-AP/AP इक्वल टू 5-2/2। यहां से आपको देखो क्या मिल गया, AB-AP मीन्स इतना आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो PB मिल जाएगा। सो PB/AP इज इक्वल टू 3/2, और यहां से आप इंटरचेंज कर लो, रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का। सो AP रेशियो PB विल बी इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये आपकी रेशियो हो गई। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज गिवन बाय ऑफ पी इज गिवन बाय पी सो MX:AP ratio PV 2:3। ठीक है, 2:3। अब यहां देखो P का हमारा MX2, सो 2 × X2 = 6, बी की को X कोऑर्डिनेट प्लस NX1 3×1/M+N = 2+3, और Y कोऑर्डिनेट सिमिलरली आपका हो जाएगा 2×7+3×2/2+3। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2×6 = 12+3 = 15/5। 15/5 मतलब कि 3 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। और इधर देखो आप 2×7 = 14+3×2 = 6, 20/5 = 4। सो आपकी कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गई 3,4। एनी डाउट? नो सर। चलो आगे करते हैं। देखो यहाँ क्या आपको दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं इन ऑर्डर, और इसमें दो अननोन है एक्स एंड वाई, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कोई बताओ यार। सर क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताओ आप। पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे ना। सर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट तो करेगा, कोई भी दो डायगोनल आपका क्वाड्रिलेटर का इंटरसेक्ट तो करेगा ही। 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे? नहीं, 90 डिग्री पे रोम्बस को इंटर, रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। ओके। देखो यहाँ पर आपको क्या होता है ना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये और ये इक्वल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज करनी है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो ये हमारा ए है 3,3, दिस इज योर बी, यहाँ बोल दिया कि ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ए के बाद बी का ही कोऑर्डिनेट है दैट इज 6,y, उसके बाद सी आपकी हो गई x,7 एंड डी की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,6।
अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि AB का जो मिड पॉइंट होगा, सॉरी AC डायगनल AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। AO AO इक्वल टू OC है एंड BO इक्वल टू OD है, इट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। रोम्बस में क्या होता है, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो रोम्बस में भी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट उसकी और एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि दे बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्चुअली रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जबकि पैरेललोग्राम में ओनली बाइसेक्टर आप बोल सकते हो। सो एज डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सो मिड पॉइंट ऑफ एसी विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ कोई, एसी का मिड पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x2 x1 x2 ओवर 2, राइट? yes. ठीक है, तो 3 प्लस, अगर मेरा x कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं पहले, तो 3 प्लस x ओवर 2, ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी ले लो, देन 3 प्लस 7 ओवर 2, ये तो हमारा एसी का मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली ऑन द राइट साइड आपका मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, डी का 5 है ओवर 2, एंड वाई कोऑर्डिनेट आपके वाई प्लस 6 ओवर 2, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड का और वाई राइट साइड का दोनों सेम होगा, सो दिस विल बी 3 प्लस x ओवर 2, 7 प्लस 3 10 ओवर 2 दैट इज 5, दिस इज इक्वल टू 11 ओवर 2, और इधर हो गया y प्लस 6 ओवर 2, ठीक है। देयरफॉर 3 प्लस x ओवर 2 इक्वल टू 11 ओवर 2, दोनों x कोऑर्डिनेट आप इक्वेट कर दो क्योंकि सेम है, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए हमारा 5 इक्वल टू y प्लस 6 ओवर 2 सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो व्हाट वी विल गेट, 3 प्लस x, 2 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज 8, एंड यहाँ आपका 2 इंटू 5 दैट इज 10 क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो, एंड 10 माइनस 6, सो वाई विल बी इक्वल टू 10 माइनस 6 मीन्स 4 हो गया, हेंस एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 4, यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो वेरी गुड, अगर डाउट नहीं है तो आप लोग ये प्रॉब्लम ट्राई करके मुझे पी की वैल्यू जल्दी से बता दो, सेम एग्जैक्टली वही टाइप का प्रॉब्लम है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, वर्टिसेस ऑर्डर में है, एक ही अननोन है यहाँ पर, पुलकित आपको समझ में आ रही है ना? देखो यार, लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए कभी भी, जब आप लेक्चर मिस करते हो तो YouTube पे आपका पड़ा हुआ है, आप वहां जाके जरूर देख लेना, क्योंकि तो मिस कर दोगे तो फिर काफी दिक्कत होती है एक्चुअली, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो, पहले से पढ़े हो तो दिक्कत नहीं होगी आपको। बी हमारा 8.2, सी 9.4 एंड डी P.3, ठीक है। प्रीसा आंसर आया आपका, नहीं सर, ठीक है आप सॉल्व करो।
उल्टी तो आप भी सॉल्व करो, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा, सेम कंसेप्ट है एकदम। सर भी सेवन आ रहा है। इक्वल टू सेवन, यस। चलो एक बार देख लेते हैं। एज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफोर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। सो हमारा हो जाएगा 6 + 9 / 2 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 4 / 2 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा यहाँ मैंने लिखा ही नहीं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। बी डी का आपका हो जाएगा 8 + p/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे बी डी पिंस 2 + 3 = 5/2। देखो वाई कोऑर्डिनेट आपको इक्वल दिख भी रहा है आपका, सो 6 + 9 = 15/2 एंड ये हो गया 5/2। दिस मस्ट बी इक्वल टू 8 + p/2 और वाई कोऑर्डिनेट 5/2, दोनों सेम ही है तो एक्स कोऑर्डिनेट आप इक्वेट कर दो सिर्फ। देयरफोर 15/2 = 8 + p/2 यहां से कैंसिल हो जाएगा एंड p की वैल्यू 15 - 8 दैट इज 7। वेरी गुड, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया अब सेक्शन फॉर्मूला के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लो 3 वर्टिसेस आपको ट्रायंगल के दिए हुए हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी की कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू एंड सी। सर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ऐसे बोलोगे तो नहीं है बट आपको काफी हेल्प होता है। कहां पर मैं बताऊं, कोलिनियर अगर प्रूव करना है ना किसी भी पॉइंट का, ठीक है, तो एरिया जीरो आप प्रूव कर दो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो कोलिनियर हो जाएगा। एरिया अगर जीरो आ गया, 3 पॉइंट गिवन है तो वहां पर आपका कोलिनियर हो जाएगा, इसीलिए मैं कवर कर दे रहा हूँ। ज्यादा प्रॉब्लम इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, बट बेटर है कि आप समझ लो कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ पर क्या होता है, देखो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें फाइंड करना होता है सपोज ये आपके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और 3 वर्टिसेस ले लो आप, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए की कोऑर्डिनेट आप ले लो एक्स वन वाई वन, दूसरा बी की कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू एंड सी की कोऑर्डिनेट ले लो आप एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो एरिया नहीं फाइंड करते हैं तो इसे हम लोग ट्रेपीजियम के फॉर्म में यहाँ पर कर देते हैं। ये देखो अब ट्रेपीजियम फॉर्म हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, राइट, यही वाला पोर्शन हो जाएगा। सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या इसमें हमने किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, ये तीनों परपेंडिकुलर है। सो सपोज ए एम बी एन एंड सी क्यू ले लो, ये तीन परपेंडिकुलर है। सो कैन वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एन एम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एम क्यू सी, ये दोनों को ऐड करके मैं अगर ये कंप्लीट एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं ये ट्रेपीजियम के, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ABNM plus area of trapezium AMQC minus area of trapezium BNQC BNQC ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला? एनीवन? प्रिशा याद है? नहीं ये सुने हो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, पैरेलल साइड हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अगर मैं ट्रेपीजियम ए बी एन एम की बात करता हूं तो पैरेलल साइड मेरा ये हो गया और ये पैरेलल साइड हो गया। ठीक है, पैरेलल साइड यही होता है, ट्रेपीजियम में एक पेयर तो पैरेलल होते ही हैं। सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया तो आप लोगों को पढ़ना था, नाइन्थ में भी पढ़ना था, एट्थ में भी पढ़ना था, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर आप लिख लो बी एन प्लस ए एम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच क्या है, एन एम। सो आप यहां लिख लो एन एम। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एम क्यू सी, तो ये भी वैसे ही हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ए एम प्लस क्यू सी। सो ए एम प्लस क्यू सी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम That is QM या MQ लिख दो। और थर्ड जो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ BN प्लस CQ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज NQ। ठीक है, अब यहां देखो, ध्यान से देखना, 1/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं सभी से। बी एन मतलब हमारा क्या हुआ, बी एन कैन आई टेक इट एज वाई टू, क्या वाई टू लिख सकते हैं? ठीक है, बी एन ए एम हमारा हो जाएगा वाई वन। सो वाई टू प्लस वाई वन मल्टीप्लाइड बाई एन एम, एन एम मीन्स एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि ये हमारा एक्स वन हो जाएगा और इधर x2 हो जाएगा। तो nm आपका हो गया x1 माइनस x2। सिमिलरली सेकेंड ट्रेपेजियम का आपका हो जाएगा, हाफ तो हमने कॉमन ले लिया, am, am मींस आपका हो गया y1, c उसके बाद am प्लस qc, तो y3 हो जाएगा इनटू mq, mq मींस x3 माइनस x1, x3 माइनस एक्स वन। और थर्ड ट्रेपेजियम जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें आपके हो जाएंगे बी एन, बी एन मीन्स वाई टू प्लस सी क्यू, सी क्यू हमारा हो गया वाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एन क्यू दैट इज एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ठीक है, यही होता है। चलो इसे कॉपी कर लेता हूं एक बार। ठीक है, अब यहां से देखो, हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां देखो आप फॉर्मूला देखो हमारा क्या होता है, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री। चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक्स वन कॉमन ले लो आप, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई जो भी टर्म हो रही है वो आप ऐड कर लो। सो वाई टू प्लस वाई वन आ जाएगा हमारा एक्स वन के साथ। सो एक्स वन कॉमन लेंगे तो वाई टू प्लस वाई वन, उसके बाद एक्स वन देखो आपका यहाँ है, ये सब्ट्रैक्शन में है और साथ में इसका वाई वन प्लस वाई थ्री है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस
वाई वन माइनस वाई थ्री हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड हमारा एक्स टू है, सो प्लस एक्स टू मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्स टू यहां देखो माइनस में है, ठीक है, तो उसके साथ जो टर्म है ये प्लस में है, तो प्रोडक्ट हमारा माइनस में होगा, सो माइनस वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स टू कहाँ है, एक्स टू यहाँ है देखो, अब यहां भी माइनस है और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, ठीक है, और थर्ड हमारा हो जाएगा प्लस एक्स थ्री कॉमन लेंगे, एक्स थ्री आपका यहां हो गया, तो वाई वन प्लस वाई थ्री, सो वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस एक्स थ्री इधर है और यहां माइनस है, तो माइनस आप ले लोगे वाई टू माइनस वाई थ्री, सो ये ब्रैकेट नहीं क्लोज करना है, माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री, माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, आप देखो वाई थ्री कैंसल, इधर आपका वाई टू कैंसल, एंड इधर आपका वाई वन कैंसल, ठीक है, ये तो हमें काम है नहीं अभी, ओके, तो यहाँ देखो आपका एरिया हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, अब इसे देखो याद रखने का सिंपल सा, अच्छा एरिया हमारा कभी निगेटिव हो सकता है क्या? Yes. No, नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या कहते हैं मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड्यूलस पढ़ा है कभी आप लोगों ने? नहीं। मॉड्यूलस मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है किसी भी टर्म की, जैसे मॉड्यूलस ऑफ टू बोलो तो ये हमेशा टू होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू अगर बोलता हूँ तो इसे पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस ऑफ माइनस टू इक्वल टू टू हो जाएगा, तो मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ओरिजिन से, सो यहाँ पर एक मॉड्यूलस हम लोग लगा देते हैं, सो मॉड्यूलस आप लगा लो यहाँ पर, दिस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये सिंबल है मॉड्यूलस का, दो लाइन रखते हैं उसके बीच में सारा टर्म, और ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, याद रखने का देखो सिंपल सा तरीका है, x1 x2 x3, ठीक है, अगर मैं वन लिखो टू लिखो और थ्री लिखो और काउंटर क्लॉकवाइज में आप चलो, तो देखो x1 लिखो आप, x1 बचा क्या टू और थ्री, काउंटर क्लॉकवाइज में जाओ तो एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, प्लस जब x2 लेते हो फिर से आपको काउंटर क्लॉकवाइज में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो y3 माइनस y1, पहला टर्म पॉजिटिव, अब जब x3 लेते हो ये वाला जब आप सेलेक्ट किए हो तो y1 माइनस y2, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज में, और नहीं तो क्लॉकवाइज जाना है तो फिर 1 2 3 को आप क्लॉकवाइज लिख लो, उसके बाद वैसे कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट है? सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यस नो सर। चलो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है।